नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं ऑटोकैड के ऊपर। ऑटोकैड एक ऐसा विषय है जो कि सभी लोग चाहते हैं कि मैं सीखूं। ये सॉफ्टवेयर सीखने के लिए आपको किसी इंस्टीट्यूट पे जाना पड़ता है, या फिर आप इंस्टीट्यूट नहीं भी जाएं तो किसी आपके मित्र से या फ्रेंड से सीखना पड़ता है। आज हम एक नई सीरीज चालू करने वाले हैं जिसमें मैं आपको ऑटोकैड के बारे में बेसिक लर्निंग से लेके आप जब एक्सपर्ट हो जाएंगे तब तक के लिए मैं वीडियो बना के दूंगा, जो कि पूरी प्लेलिस्ट बनाएंगे हम। आज हम इसके बारे में सिर्फ बेसिक जानेंगे। अब बेसिक से स्टार्ट करने के लिए मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि मैंने सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने के बाद अभी सिर्फ ओपन किया हूं, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं किया गया है। अब हम देखते हैं इसमें कि ऊपर कुछ टूल बार होते हैं, जैसे कि यहाँ पे ऑटोकैड का सिंबल दिया जाता है, ये सेव का है, फाइल, एडिट, व्यू, इंसर्ट, फॉर्मेट, टूल्स, ड्रा, डायमेंशन, मॉडिफाई, ऐसे बहुत सारे अपने को दिए रहते हैं। यहाँ पर हमें कुछ कमांड दी जाती है, ये कमांड के सिंबल है, और नीचे से हम डायरेक्ट भी कमांड दे सकते हैं। अगर हमें जैसे कि कमांड पता है या फिर याद है तो हम यहाँ से डायरेक्ट भी कमांड दे सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं कि सबसे पहले हमारे पास कौन सी कमांड होती है। ये हमारे पास लाइन कमांड। लाइन कमांड का यूज क्या होता है ये मैं बता दूं कि अगर जैसे आपके पास कोई भी एक, मैं यहाँ पर एक क्लिक करता हूँ, क्लिक करने के बाद ये मेरे पास लाइन बन रही, मैं इसी को बिल्कुल एक फ्री लाइन है, मैं कहीं भी किसी भी डायरेक्शन में इसको मूव करा सकता हूँ। अगर मुझे कुछ बनाना है स्ट्रेट में तो मैं इसको बिल्कुल स्ट्रेट कर देता हूँ। अब जैसे कि हमने ये बना लिया इसको, अब मुझे थोड़ा सा यहाँ पे अंदर लेना है, मैं इसको किसी भी शेप में कर सकता हूँ। ये हमारा लाइन कमांड हो गया। इसमें इंटर या फिर स्पेस दबाने से कमांड एंड हो जाती है। हम ये सभी के बारे में धीरे धीरे सीखेंगे, आज सिर्फ मैं बेसिक के बारे में बात करूंगा। सेकंड हमारे पास कमांड आती है जो कम यूज होती है, कंस्ट्रक्शन लाइन होती है। थर्ड हमारे पास है पॉली लाइन, इसके बाद रहती है पॉलीगन, इसके बाद रेक्टेंगल, फिर आर्क, सर्कल, और फिर बहुत सारी कमांड रहती है। लेकिन जिनमें ज्यादातर यूज होता है ये सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल इंजीनियर जो हैं, इन लोगों के लिए पर्टिकुलर यूज होने वाला सॉफ्टवेयर है। हमें सबसे ज्यादा जो यूज कमांड में आती है, अगर सिविल इंजीनियर की बात करें तो लाइन कमांड, रेक्टेंगल, ये हमारे पास रेक्टेंगल कमांड होती है, फिर सर्कल, आर्क एंड ट्रिम, एक्सटेंड, एरेस, कॉपी, मिरर वगैरह वगैरह। तो यहाँ पे आपने इतनी कमांड देखे जिनका यूज होता है। यहाँ पे हमारे पास है एरेस कमांड, कॉपी कमांड, मिरर, अगर आपको किसी भी चीज को मिरर करना है तो इसका यूज करेंगे। हम आगे देखेंगे कि इन सभी चीजों का कैसे यूज होता है। ऑफसेट, ये हमारे पास है रेक्टेंगुलर अरे, इसमें आप अरे कमांड में बहुत सारे ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। फिर मूव कमांड, और उसके बाद ये बहुत सारे हैं जिनका आप धीरे धीरे सीखेंगे। चलिए सबसे पहले हमने देख लिए लाइन कमांड के बारे में। अब लाइन कमांड के बाद हम चलते हैं रेक्टेंगल। रेक्टेंगल कमांड मैंने ये लिया, इस पर क्लिक किया मैं। अभी अगर आपको कमांड याद है तो आप उससे भी कर सकते हैं, लेकिन मैं पहले आपको ये सिंबल जो कमांड के दिए गए हैं इनसे बता रहा हूं, तो बिल्कुल भी आप कंफ्यूज नहीं होना। हम सभी सीखेंगे, हर एक चीज सीखेंगे, लेकिन एक तरीके से स्टेप बाय स्टेप की आप लाइफ टाइम उसको याद रख सको। हम रेक्टेंगल जैसे बनाते हैं तो ये मैं ये कमांड कर चुका हूं, मैंने ऑन ले चुका हूं, लेकिन अभी कहीं नहीं बनेगा, मुझे यहां पर सबसे पहले एक क्लिक करना पड़ेगा। ये क्लिक लेने के बाद मैं इसको किसी भी दिशा में ले सकता हूं। अभी मेरा सेकंड हैंड फ्री है, और अभी हम कोई भी डायमेंशन से या फिर मीटर, फीट या फिर डिस्टेंस बिल्कुल भी नहीं ले रहे हैं, अभी सिर्फ जस्ट समझ रहे हैं हम लोग। अब मैं इसे कितना भी बड़ा अभी ले सकता हूँ। हमारे पास ये हो गया रेक्टेंगल कमांड। ये रेक्टेंगल कमांड से आप समझ सकते हैं कि ये रेक्टेंगल बनाएगा। इसमें हमें जैसे कि अगर आपको मान लो घर बनाना होता है और आपके पास डायरेक्शन है डाल देते हो तो आप ये घर का प्लान बन जाता है ऐसे। उसके बाद आप अगर इसको मान लो फिर से लेते हो तो आपको फिर से ये बना सकते हो आप, तो ऐसे बहुत सारे ऑब्जेक्ट बना सकते हो आप। तीसरा हमारे पास आता है जो काम के लिए है, वो है आर्क।
जिसको आप इस डायरेक्शन में ऐसा एक क्लिक किया इस पोर्शन पे, सेकंड क्लिक किया इस पोर्शन पे, और आप इसको इस तरीके से लगा सकते हैं, तो ये आपका आर्च बन जाएगा। अब इसके बाद हमारे पास आता है सर्कल। इस सर्कल हम क्लिक करके कितना भी बड़ा जैसा चाहे वैसा बना सकते हैं। इसके बाद हमारे पास इंसर्ट ब्लॉक वगैरह ये बाद में यूज होंगे, हेज वगैरह जब यूज होंगे तब बताऊंगा मैं, अभी आपको कंफ्यूजन होगा अगर आप ज्यादा याद कर लेते हैं तो। फिलहाल अपन ने देखे यहाँ पे लाइन कमांड जो यूज होती है, रेक्टेंगल, आर्च, सर्कल, अभी आप इतनी याद रखिए। उसके बाद हम आते हैं इरेज कमांड पे। इरेज करने पे ये मैंने इरेज कमांड एक्टिव किया, मैं चाहता हूँ कि इसमें से बीच का पोर्शन मेरा जो है वो इरेज हो जाए, ये मैंने क्लिक किया, राइट क्लिक किया, ये इरेज हो गया। क्लिक करने के बाद इसमें राइट क्लिक करना बहुत ज्यादा जरूरी है। कॉपी कमांड, मुझे अगर इसी ऑब्जेक्ट को कॉपी करना है, मैं इसको क्लिक किया, राइट क्लिक किया, अब मैं चाहता हूं कि इसको मैं कॉपी करूं, वो भी यहां पे इस पोर्शन पे, मैंने ये कॉपी करके रख दिया। अब मैं इसको जितना चाहूं जैसा चाहूं कॉपी कर सकता हूं। तो इसको अगर आपको एंड करना है तो इंटर आप प्रेस कर सकते हैं, या फिर स्पेस बार प्रेस कर सकते हैं, या राइट क्लिक भी कर सकते हैं, जिससे भी आप कमांड से बाहर हो जाएंगे। इसके बाद हमारे पास मिरर आता है, जैसे कि मैं इस रेक्टेंगल का मिरर लेना चाहता हूँ, ये लिया मैंने, क्लिक किया, राइट क्लिक किया, अब मैं इसका ये देखिए आप ही मिरर हो रहा है, मैं इसका जैसा चाहूँ वैसा मिरर कर सकता हूँ, मैं ऐसा मिरर कर देता हूँ इसका, और मैंने क्लिक कर दिया। रखने के बाद आपको क्लिक करना बहुत जरूरी है, और इसके लिए बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की जरूरत रहेगी। तो आप लोगों से ये मेरा रिक्वेस्ट है, विशेष अनुरोध है कि आप ये सब चीज़ों को प्रैक्टिस में ज़्यादा लाइए, क्योंकि मेरा काम है बताने का, मैं सिर्फ बता सकता हूँ, लेकिन आप बहुत बेहतर तब होंगे जब एक प्रैक्टिस अच्छी होगी। बाकी आपके पास ऑफसेट आया, आपको ऑफसेट कितना भी देना है दूर दूर दे सकते हैं आप, लेकिन ये ऑफसेट और बाकी कमांड के बारे में मैं नेक्स्ट सेशन में बताऊंगा, जब भी हमारा अगला टॉपिक होगा। तो तब तक के लिए अगर पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कीजिएगा, और आपसे विदा लेता हूँ।